फिर से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में होगा। इस बार के पहले जनता दरबार में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी, श्रम संसाधन, सामान्य प्रशासन, कला संस्कृति एवं वित्त विभाग से संबंधित शिकायतें सुनेंगे। इसमें शामिल होने के लिए कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐप JKDMM के माध्यम से किसी भी समस्या का शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इस ऐप को JKDMM की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए संबंधित लोगों को आधार संख्या और मोबाइल नंबर देना होगा। अपना मोबाइल नहीं होने पर किसी परिचित का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इस ऐप पर आवेदन जमा करने पर आवेदक को एक यूनिक संख्या उनके मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल पर भी प्राप्त हो जाएगी। इस यूनिक संख्या के माध्यम से आवेदक अपनी शिकायत की अपडेट स्थिति मोबाइल ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आवेदक को जनता के दरबार में शामिल होने की पूरी जानकारी उसके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। इसके बाद वो इसमें शामिल हो सकेंगे। जिन लोगों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, वैसे लोग अपने प्रखंड के BDO या SDO या DM कार्यालय जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जहां से आवेदक की शिकायत को इस मोबाइल ऐप पर अपलोड किया जाएगा। कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों का पहले RT-PCR कोविड टेस्ट कराया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जनता के दरबार में पटना से दूर के जिलों से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग जिलों में ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। इसमें अररिया, कटिहार के लोगों के लिए बेगूसराय में, किशनगंज व पूर्णिया वालों के लिए समस्तीपुर, सहरसा एवं सुपौल के आवेदकों के लिए मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बांका जिले के लोगों के लिए नालंदा तथा पश्चिमी चंपारण एवं मधेपुरा से आने वाले लोगों के लिए वैशाली जिला में रात्रि विश्राम की व्यवस्था रहेगी। इसके बाद आवेदक अगले दिन सुबह पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने वेबसाइट पर इससे संबंधित विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। यानी कि अगर आपको भी जनता के दरबार में शिकायत करनी है तो आप उसके पंजीयन की शुरुआत JKDMM ऐप से कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐप पर आवेदन भी दे सकते हैं। पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है शिकायत दर्ज कराने को लेकर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।